हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो काफ़ी टाइम के बाद आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ और ये वीडियो है 24 तारीख का, तो 24 अप्रैल का है ये वीडियो। और मैं डाटा नगर से वापस दिल्ली के लिए रिटर्न हो रही थी और ये मैं बाई कार रांची तक जा रही हूँ, टाटा से बाई कार जा रही हूँ रांची, क्योंकि हमारा टिकट टाटा नगर से बन नहीं पाया क्योंकि अभी लगन का टाइम है तो काफ़ी भीड़ चल रही है, तो इसलिए रांची से बना है। तो मैं यहाँ जा रही थी तो अच्छे अच्छे व्यू दिख रहे थे, तो मैं सोची चलो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ क्योंकि दिल्ली में तो कुछ देखने को मिलता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर ली थी यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा सीन सीनरी दिख रहा था, धूप भी थी लेकिन सीन सीनरी बहुत अच्छा दिख रहा था क्योंकि दिल्ली में तो कुछ देखने को मिलता नहीं है, इसलिए मैं सोची चलो शूट कर लेती हूँ। और काफ़ी अच्छा लग रहा था इसलिए मैं सोच रही थी पूरा रास्ता भर शूट कर लूँ, फिर भी ज़्यादा तो नहीं कर पाई लेकिन जितना कर पाई आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। और आप लोग भी देखिए कि हमारा झारखंड कितना ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है झारखंड, और इसलिए हम लोग हमेशा से चाहते हैं कि हम लोग झारखंड ही जाकर बस जाएं, लेकिन ऐसा काम वहाँ कुछ है नहीं कि वहाँ जाकर बस सकें, तो इसलिए अभी दिल्ली में ही है और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी दिल्ली में हैं, पढ़ाई के चलते भी रुके हुए हैं। लेकिन हमारा जो टाटा नगर है वहाँ पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि मेरे भाई भी तो IIT इंजीनियर हूँ, पहले वहीं से तैयारी किया था, उसके बाद उसका खड़गपुर में हुआ था। खुद नहीं पता है इस तरफ ना होगा, इसी तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ कब जाओगे? हाँ इधर ही, हाँ गया हम लोग, स्टेशन भी आ गया। तो यहाँ फ्रेंड्स हम लोग रांची स्टेशन आ गए थे और रांची स्टेशन आने के पहले देवड़ी मंदिर गए थे और वहाँ दर्शन किए थे, लेकिन गलती से शॉर्ट फॉर्म में वीडियो शूट हो गया था इसलिए मैं नहीं डाल पाई देवड़ी मंदिर का वीडियो। और फिर उसके बाद यहाँ पर मिलने आ गए थे ये लोग, तो यहाँ देखिए ये दोनों बहन के बेटे आए थे, दोनों बेटे आए थे यहाँ पर हमसे मिलने आए थे, तो मैं इन्हें बोल दी थी कि रांची स्टेशन पर मैं हूँ जबकि मैं थी हटिया स्टेशन पर, गलती से बोल दी थी, तो फिर यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर दोनों आए हुए थे मिलने के लिए और दोनों हमारे लिए खाना लेकर आए हुए थे क्योंकि मैं बोली थी कि ये इस ट्रेन पे खाना मिलती नहीं है, तो वो बाहर से अपना ऑर्डर लेकर ऑर्डर करवा कर और खाना लेकर आए।